तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड अध्ययन सहायक चयन आयोग की भर्ती के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। 200 पदों के रिगार्डिंग है और आज यहाँ पर विज्ञप्ति करके 7 अगस्त को जारी किया गया है। 200 पद भर्ती रखे गए हैं इसमें, और आयोग द्वारा जारी विज्ञापन जो कि यहाँ पर वन विभाग के अंदर वन विकास निगम जो स्केलर की 200 पदों की भर्ती है उसकी सारी दक्षता परीक्षा परिणाम फिर से जारी कर दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले जारी हुआ था इसका रिजल्ट जो फिजिकल वालों का था, और इसमें कई लोग छूट गए थे। तो फिर से संशोधन करने के बाद से अभ्यर्थियों की सूची नई जारी हो चुकी है, और इसमें कहा गया है कि सारी दक्षता नाप जो क्रोध है इसमें परीक्षा में जो सूची अपने जो चयन अभ्यर्थी न होने से संबंध में कथित अभ्यर्थी द्वारा जो है आयोग में अनुरोध किया गया था, और अनुरोध पर जो है प्राथमिक परीक्षण के उपरांत जो है पाया गया कि तकनीकी त्रुटि के कारण जो है यहाँ पर 1-2 जून 2024 अल्मोड़ा परीक्षण केंद्र में और है 130 अभ्यर्थियों का जो है परीक्षा परिणाम सम्मिलित नहीं पाया गया। तो ये देखते हैं आयोग की गलती, आयोग ने मान ली है, आयोग बहुत लापरवाही की गई है इसमें। आप देखते हैं यहाँ पर इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जो अभ्यर्थी ने आवाज उठाई उसके बाद यहाँ पर आयोग को पता चला, और आयोग को पहले ही चेक कर लेना चाहिए था। और इसमें 130 कैंडिडेट थे जिनका दक्षता परीक्षा परिणाम जो है जारी कर दिया गया है, आप लोग देखते हैं। और ये आगे जोड़ते हुए इनका संशोधन करने के लिए बात मतलब कि संशोधन करते हुए अपने लिस्ट में इनको आगे और ऐड कर देंगे। 130 कैंडिडेट और हैं, और इसमें प्रत्यर्थन आपत्तियां अभी कार्य प्रगति पर है, और जिसका निस्तारण से यथाशीघ्र यहाँ पर जो है बताया गया चयन सूची का जो है प्रकाशन किया जाएगा। तो बाकी देखते हैं इसमें जो भी निस्तारण है वो सब कुछ किया जा रहा है बताया गया है, और जो भी प्रॉब्लम होगी उसकी निस्तारण कर दिया जाएगा।